तीन दिन पूर्व जागा हेड़ी टोल प्लाजा पर भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आज सुबह भाकियू के वरिष्ठ नेता धीरज लाटियान समेत 11 भाकियू कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में देर शाम जागा हेड़ी टोल के पास स्थित एक स्कूल में भाकियू कार्यकर्ताओं की एक पंचायत हुई। भाकियू जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार और प्रशासन ने जब भी किसानों से टकराव किया है उसे मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी भाकियू कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सरकार और प्रशासन ने टकराव की स्थिति बना दी है। अब भाकियू भी पीछे नहीं हटेगी। किसानों की आवाज उठाने के लिए भाकियू हमेशा आगे रही है और इस बार भी भाकियू ने ये जिम्मेदारी उठाई है। कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, सुन लो पहले मेरी बात। इस बार जो पदाधिकारी बहाना बड़ा होगा इसका भी इलाज होगा। सबसे पहले अपने घर में करेंगे भाई हम। बहुत कोई बहाना नहीं चलने का, खत्म कहानी। और ये भी मन बना गई हो भाई, बार बार रोज रोज नहीं है। जहां बीमारी होगा इलाज वही होगा। चकबंदी में पूरी खुली भ्रष्टाचार, पूरा जिले का प्रशासन मिला हुआ कि जिले को पूरा लूटना। रातों रात अवैध खनन हो रहा पूरे जिले में, ओवरलोडिंग वाहन चल रहे इसके ऊपर चल रहे। कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, सुन लो पहले मेरी बात। इस बार जो पदाधिकारी बहाना बड़ा होगा इसका भी इलाज होगा। सबसे पहले अपने घर में करेंगे भाई हम। बहुत कोई बहाना नहीं चलने का, खत्म कहानी। और ये भी मन बना गई हो भाई, बार बार रोज रोज नहीं है। जहां बीमारी होगा इलाज वही होगा। चकबंदी में पूरी खुली भ्रष्टाचार, पूरा जिले का प्रशासन मिला हुआ कि जिले को पूरा लूटना। रातों रात अवैध खनन हो रहा पूरे जिले में, ओवरलोडिंग वाहन चल रहे इसके ऊपर चल रहे। जागाहेड़ी टोल प्लाजा पर आसपास के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिनकी आवाज भाकियू उठा रही है। भाकियू के वरिष्ठ नेता धीरज लाटियान समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रशासन ने टकराव की स्थिति बना दी है। ये टोल चलेगा नहीं अब, जा सुन लो पहले मेरी बात। मतलब प्रशासन यहाँ का डीएम और एडीएम हमारी कुछ संबंध करता हो, गांडा अध्यक्ष जी हमारे में दबाव आ रहा, चलवा दो आप एक बार। जब इनका काम पड़ा, जब दबाव हो तो हमारे से सहयोग, और जब हमारा पड़ा तो हमारे साथ असहयोग। कोई जिला प्रशासन का सहयोग नहीं करेगा, कोई भी मामला हो, कोई ऑफिस में नहीं जाएगा। बता दो भाई, यहाँ का एलआई भी होगी प्रशासन को, 23 तारीख से टोल भी नहीं चलेगा। जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि 23 मई को तितावी थाने में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 23 तारीख को जागाहेड़ी टोल प्लाजा को फ्री कराया जाएगा। जी अध्यक्ष जी, बैठक हुई है, पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं धीरज लाटियान सहित कई किसानों पर, क्या हाल निकला? 23 तारीख से थाना तितावी का अनिश्चितकालीन घेराव होगा, और जी यहाँ का जिला प्रशासन भारतीय किसान यूनियन पर किसान को टारगेट करके अवैध खनन के नाम पर फर्जी तरीके से दबाना चाहता है। यहाँ का किसान भारतीय किसान यूनियन दबने का काम नहीं करेगी। आर पार का हमने बिल्कुल बजाया है, और जो मुकदमे लिखकर डराना चाहती है हम इसका जवाब 23 तारीख से देंगे। और जो एस ने यहाँ बदतमीजी करी है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारे यहाँ लोगों को यहाँ बैठने अंदर घुसने नहीं दे रहा, उसने बैठने के लिए मजबूर करा है रोड पे, और हमें एनएच के माध्यम से मुकदमा दर्ज लिखवा के दबाने का काम करते प्रयास। हम बता रहे हैं आपको 23 तारीख से नया टोल चलेगा, इसके मानक पूरे नहीं है यहाँ से, लेकिन प्रशासन ने सहयोग मांगा था जिला मुजफ्फरनगर के कि हमारे ऊपर दबाव है। हम भारतीय किसानों से अपील चाहते हैं कि टोल को चलवा दें आप, हमने सहयोग किया, चला लो, लेकिन हर धर्मी दबाकर आगे प्रशासन आ रहा। रातों रात यहाँ अवैध खनन का काम पूरे जिले में है, पूरे ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं, जिले के बड़ा जो अधिकारी उनकी 60-60 से चलते हैं, हम बताना चाहते हैं आपको। और किसान अगर अपने खेत में काम चल रहा तो अवैध खनन को उनको रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है। 23 तारीख से हम तरण तितावी घेरेंगे, और ऐसा को यहाँ की हर धर्मी था, और जो अपनी तानाशाही दिखा रहे तानाशाही के खिलाफ हम यहीं बैठेंगे। आर पार की लड़ाई हम यहाँ से बात हुई थी उस जेसीबी मशीन को लेकर, तो किसान
अधिकारी ने माना कि वो वैध है, अवैध नहीं थी, वो किसान अपनी मिट्टी समतल कर रहा था और वो छोड़ दी भी गई। कारण ये है कि पुलिस पहले पल्ला झाड़ती रही, कहने लगा हमारा काम नहीं है, जिले के अधिकारी से करो, हम इसका हमें तो इसकी सूचना ही, हम तो उसे मौके पर ले गए, हमारे हाथ में नहीं है, गुमराह करते रहे। हमने एसडीएम से भी कहा भाई बात बताओ, सब कहते रहे इनको आने अपने खेत में काम कर रही थी, वो अपने नाला खोद रही थी, लेकिन फिर भी चार घंटे की ऐसी कौन सी होती जब बात सही थी यार, क्यों नहीं छोड़ दी गई। तो जिला मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने यहाँ जी हाईवे बैठने को मजबूर करा किसानों को, किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा। अब इनकी क्या मर्जी है क्या नहीं, ये ऊपर लखनऊ तक ये दिखाना चाहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं वेद खनन पर, लेकिन रात के अंधेरे में बड़ा खेल हो रहा है यहाँ जी, ओवरलोडिंग वाहनों का भी और अपना आपका अवैध खनन का भी, जो अधिकारियों के मिली भगत से हो रहा। एक तिगड़ी है यहाँ बनाई गई है बड़े अधिकारियों की, सब पैसा लूट रहे मुजफ्फरनगर से, जितना लूट सका तो लूट लो, वरना चुनाव के बाद इन्हें जल लग रहा कि हम यहाँ से जाने वाले। तो किस तरह का जो चेतावनी 23 तारीख को लेकर आएंगे, पूरे किसान आएंगे, पूरे अधिकारी आएंगे, अपने पशुओं सहित आएंगे, यही रहेंगे, पशु को घास कौन करेगा, यही रहेंगे, पशु भी यही बंधेंगे, यही घास करेंगे, बैठेंगे भाई थाना चेतावनी पर, देगा कितने मुकदमे लिखेगा और कब तक वो करेगा। टोल की बात फ्री करने की, टोल फ्री रहेगा 23 तारीख से, जब तक पूरे मानक नहीं होंगे टोल के, पूरे मानक निकाल गए, जब तक टोल यहाँ से किसी किसान से और आम जन से वसूला नहीं जाएगा, टोल फ्री रहेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।